हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर माय राइज एपिसोड। तो भाई, जिसने लास्ट एपिसोड देखा होगा उसको पता ही होगा कि हमने डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा के टूर्नामेंट में एंट्री ले ली थी। एंड आज यार केविन ओवेंस के सामने हमारा मैच होने वाला है और देखते आगे क्या क्या होता है भाई। तो बहुत ही एक्साइटेड है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट यार। और ये देखो भाई, रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप 1253 डेज, अभी तो खैर बढ़ गया होगा। एंड एक सेकेंड यार, कोडी के साथ तो हमने बात कर ली थी एंड केविन ओवेंस के साथ भी बात कर ली थी। चलो भाई, इसको ये पार्ट को मैं स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ से यार हमने एपिसोड क्लोज किया था, पहला एपिसोड, तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं भाई। केविन ओवेंस के साथ मैच है, तो भाई अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो यार। 100 सब्सक्राइबर्स का गोल है, मार्च के एंड तक कंप्लीट करा देना। तो भाई डायरेक्टली चलते हैं मैच में एंड केविन ओवेंस को हराते हैं। एक सेकेंड, ये रोमन का क्या है भाई? सींग ऑल दिस फेकर्स हसल टू कीप माई बेल्ट वॉर्म इज वॉचिंग एन एंट हिल आफ्टर यू स्टॉम डोनेट स्टैक समर स्लैम। ठीक है भाई, सो रोमन भी यहाँ पे सेवेज। रोमन तो यार खैर ट्राइबल चीफ है हमारे, तो वो तो होने ही वाला है भाई सब। चलो भाई, केविन ओवेंस के सामने मैच स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं भाई। ठीक है, नॉक सम सेंस इनटू केओ विद अ हैवी कॉम्बो। ठीक है, हमको हैवी कॉम्बो देना है। पहली मैच तो खैर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, सिर्फ हमारे मतलब डिफीट करना था डोमिनिक मिस्टीरियो को। एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब है भाई यार कुछ होगा शायद मैच को, मैच में मैं कंप्लीट श्योर नहीं हूँ कम्प्लीटली, लेकिन कुछ ना कुछ होता है क्योंकि 2K23 माई रेस मैंने खेला हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है भाई, कीप द प्रेशर ऑन केविन ओवेंस, हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव आ चुका है, मारते रहना है भाई केओ को। ओ भाई क्या मूव दिया यार, और इसमें यार मैंने डिफिकल्टी पता नहीं मेरी शायद हार्ड ही है, और रिवर्स का भाई बहुत ही कम ऑप्शन, मतलब बहुत ही कम टाइम होता है, सो रिवर्स बहुत ही जल्दी करना पड़ता है, वरना तो भाई तुम बुरी तरह पिट जाओगे। सुसाइड डाइव नहीं भाई, बहुत बढ़िया केओ, एंड मारते ही जा रहे भाई केओ, रुक जाओ थोड़ा एक बार। हाँ अब भाई पहले तो रिंग में आ जाओ, मेरे को नॉकआउट नहीं होना भाई। अभी अभी भाई हमारी बारी, तुमने इतना हमको मार लिया है, अभी हमारी बारी। ठीक है, चलो ये लो, सिग्नेचर भी आने ही वाला है हमारा। अरे तुमको आता है तो भाई हमको भी आता है रिवर्स करना। ठीक है, क्यों ज़्यादा चौड़ में मत घूमो, तुम होगे मतलब कुछ भी बहुत ही बढ़िया रेसलर रियल में, लेकिन यार यहाँ पे हमारा करियर मोड चल रहा है, तो भाई यहाँ हमसे बदमाशी नहीं। थोड़ा ज़्यादा हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं भाई। चलो ये ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है, अभी क्या करना है यार? विक्ट्री इज इन साइट, ग्रैब केओ। मैंने क्या बोला था गाइस, मैंने बोला था भाई कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता भाई, वन टू थ्री पिन होने ही वाला था मैं, और केओ ने पिन हटा दिया। भाई यस, वन टू थ्री एंड भाई हम जीत चुके हैं यार। केओ यही होता है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा यही होता है। अब रेफरी को क्या बोलोगे भाई तुम? अब हम जीत चुके हैं यार, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई ये देखा, ईगो आ जाता है बीच में भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। केओ फुल गुस्सा हो चुके हैं भाई, लेकिन अल्टीमेटली भाई हम जीत चुके हैं ये मैच। चलो भाई मैच जीत चुके हैं यहाँ पे। रोमन रेंस कुछ कह रहे भाई, लेट्स सी हियर, आई बीट रोमन, आई बीट स्टाइल्स, आई श्योर हैज हेल्प बीट कोरी, द डार्क हॉर्स आई हैवंट बीट, आई बीट हिम व्हेन आई गेट बैक इफ ही स्टिल हैज़ अ चॉप। ठीक है, अभी यहाँ पे रोमन ने बोला है भाई कि हम मैंने सबको बीट कर लिया है भाई, लेकिन ये जो डार्क हॉर्स है मतलब जो हम हैं उन उसको भी मैं जब भी आऊँगा तब बीट कर दूंगा, मगर इफ ही स्टिल हैज़ ए जॉब। तो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, तो देखते आगे क्या चलता है भाई स्टोरी में। केला ब्रैक्सटन आई है, इनसे बात करते चलो। Hey, I'm about to go live with a hit for the bump and you are the guy everyone is talking about tonight. You got a quick sec? अरे भाई हम डिमांड में आए। That is a bummer, but chatting with you is not. What do you want to know?
You really came out of nowhere tonight with a couple of big wins that have you in the hunt for the undisputed WWE Universal Championship. But I'm sorry? A fluke? I don't mean any offense. It's just your record hasn't exactly been at the WWE Universal Championship level since you got here. यार कोई हमें बिलीव ही नहीं करता भाई. ठीक है यार, ये तो गलत बात है भाई. आई डोंट मीन एनी ऑफेंस, इट्स जस्ट योर रिकॉर्ड हैज़ नॉट एग्जैक्टली बीन एट द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप लेवल सिंस यू गॉट हियर. यार भाई कोई हम पे बिलीव ही नहीं करता यार. मैंने थोड़ा गाइस ये मेरा कैम थोड़ा नीचे कर दिया है ताकि आपको दिख सके भाई. सो इट्स अबाउट डैम टाइम एंड ग्रेटफुल टू बी हियर. तो हम थोड़े अच्छे गाय बनाएंगे तो भाई ग्रेटफुल टू बी हियर कहते हैं. You're not wrong, Kayla. I've been finding my feet here in WWE. But when Regal gave me this opportunity, I was grateful because there's something in the air tonight. Something I could feel when I walked in the building. Mm-hmm. No, I don't think people are looking at a fluke. I think they're looking at destiny. Oh, bye. Bold words for a man about to face Braun Strowman. All right, bhai, to Braun Strowman ke samne find out if I'm right. Next match hai bhai hamare tournament ki. Good luck out there. Thanks, Kayla. If you find a bag of ice, I'll keep an eye out. चलो भाई, तो ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने हमारी सेकंड मैच है. डायरेक्टली मैच में चलते हैं एंड ब्रॉन स्ट्रोमन भाई मजा आने वाला है. द डार्क हॉर्स ऑफ द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल टूर्नामेंट फेसेस हिज टफेस्ट चैलेंज येट इन द मॉन्स्ट्रस ब्रॉन स्ट्रोमन नेक्स्ट ऑन समर स्लैम. ठीक है, आ जाओ मैच खेलते भाई. अभी तक तो यार अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारा, अभी देखते हैं आगे क्या होता है. चलो भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन के सामने मैच आ चुकी है एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिल चुका है हमको. शो ब्रॉन यू हैव नो फियर एंड डिफीट हिम. ठीक है, तो ये शायद मुझे लग रहा है कि ये क्लीन मैच होगी. अरे भाई भाई क्या मारा है, ये शायद यार क्लीन मैच होगी क्योंकि एक भी और ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जैसे कोई कटसीन वटसीन आना हो. सीधा डायरेक्ट लिख दिया है कि बता दो भाई कि डरते नहीं हो तुम और ब्रॉन को डिफीट करना है. ठीक है, तो सिंपल. और यहाँ पे रोक ब्रेक यार. चलो, तो हमारी और ब्रॉन दोनों की हेल्थ थोड़ी थोड़ी कम हो चुकी है क्योंकि हमने तो दो मैच में कम्पीट किया है आज एक ही शो में और ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक मैच में कम्पीट किया है, तो हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई है वहाँ पे. एंड चलो अभी डायरेक्ट इनको भी हराते हैं एंड आगे देखते हैं क्या आता है भाई. बहुत ही एक्साइटेड है कोडी रोड्स के सामने मेन इवेंट अगर जीत जाएंगे तो. चलो ब्रॉन सर क्या कर रहे हो, ये लो. अरे भाई ये अपग्रेड मस्त लगा है मेरे को यार, अलग अलग जगह के कैमराज. अरे अंदर भी नहीं जा रहे, हाँ अभी गया ना. चलो यहाँ से जंप, अरे जंप मारना था यार, जंप क्यों नहीं मारा मैं. ये ले भाई, इतना पेल रहा हूँ फिर भी इतनी जल्दी खड़े हो जा रहे हैं यार ब्रॉन भाई. नहीं 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 नहीं, हारना नहीं है यार, जीतना है. अरे इतनी जल्दी थोड़ी ना पिन होगा भाई, कम ऑन यार. ब्रॉन स्ट्रोमन आई नो यार तुम मॉन्स्टर हो लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है यार, हम यहाँ पे जीतने आए. एंड भाई जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है यार उसको बस इतना ही बोलूँगा भाई मैं कि पहले तो बहुत ही बड़ा थैंक्स एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो. 100 सब्सक्राइबर्स का गोल है मार्च के एंड तक पहुँचना है यार कुछ भी करके. सो उसमें हेल्प कर देना भाई एंड रेगुलरली ऐसा कंटेंट आता रहेगा सो उसकी टेंशन आप मत लेना भाई. चलो सिग्नेचर खुल चुका है हमारा भाई. क्या ब्रॉन स्ट्रोमन डिफिकल्ट तो पड़ रहा है भाई इनके सामने कंपीट करना. अरे ब्रॉन स्ट्रोमन टॉप रोप पे भाई, सिर मेरा सिर. अरे भाई डेविल लाफ ऑफ ब्रॉन स्ट्रोमन. हर बार नहीं. अरे कहां मार, चलो थोड़ा हम भी टॉन्ट कर लेते हैं यार. उनका डेविल लाफ है तो हमारा भाई ये सस्ता वाला है, कुछ पता नहीं है हमको लेकिन अच्छा है जो भी है अच्छा है. आ जाओ यार, बहुत बहुत देर कर रहे हो भाई,
आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो फिनिशर आ चुका है, फिनिशर देते भाई। और यहाँ पे फिनिशर मैंने चेंज नहीं किए भाई मूव सेट अभी तक, तो चेंज करना है भाई, बाकी है। सबमिशन तो एक हेयर, टैप आउट तो नहीं करेंगे पहली बार में, पहली बार में तो टैप आउट नहीं करेंगे ब्रॉन सर। एंड ब्लड निकल चुका है यार, मैं मतलब वो टैप आउट वाले गेम में बिजी था, लेकिन अभी मैंने जस्ट देखा कि ब्लड निकल चुका है ब्रॉन स्ट्रोमन को। तो टफ कंपटीशन तो दे रहे हैं यार हम। ये लो भाई, अरे डबल रिवर्सल यार, डबल रिवर्सल है, अपग्रेड हुआ है भाई ये भी। चलो सिग्नेचर का टाइम, सिग्नेचर मुझे भी नहीं पता भाई। ये सबमिशन नहीं है, सबमिशन नहीं है, ये सबमिशन नहीं है भाई। हाँ ये सबमिशन नहीं है, पिन करके देखते हैं यार क्या पिन होंगे। मुझे तो नहीं लग रहा भाई, नहीं होगा इसमें। हो गए हमने भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को इतनी जल्दी और इतनी इजीली हरा दिया है, एंड वी मूव अहेड भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक डोमिनिक मिस्टीरियो को क्वालिफाइंग मैच में हराया, फिर केविन ओवेंस को, एंड नाउ ब्रॉन स्ट्रोमन को भाई। अभी देखते हैं यार आगे कौन सी मैच आती है, या फिर डायरेक्ट मेन इवेंट आती है। चलो भाई बाहर जाके देखते हैं भाई। अभी तक ये जो स्टोरी चल रही है ना, बहुत ही बढ़िया स्टोरी चल रही है। खैर ये फर्स्ट, मतलब अभी तो फर्स्ट मैच है, मतलब फर्स्ट शो में हम खेल रहे हैं। कोडी रोड्स का मैसेज आया, ठीक है। एवरीवन क्या था भाई, रुको ये ब्लैंक हो गया स्क्रीन मेरा। हाँ, एवरीवन इज कॉलिंग माय अपोनेंट द डार्क हॉर्स, बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ग्रेट WWE सुपरस्टार्स। गुड लक इन द फाइनल्स श्लोक, यू आर गोना नीड इट। अरे भाई फाइनल मतलब फाइनल आ चुका है भाई। मुझे तो लगा यहाँ पे एक और कोई मैच होगा, लेकिन डायरेक्ट हम पहुंच चुके हैं मेन इवेंट में, एंड वी आर गोइंग टू कम्पीट अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। भाई साहब बहुत ही मजा आने वाला है यार। चलो मिस और विलियम रीगल हमसे बात करना चाहते हैं भाई, तो डायरेक्टली चलते हैं उनसे बात करते। Perhaps he simply didn't want to work with you. That is ridiculous. Roman loves me, and that's not the point. You and Triple H and all your little buddies skulking around to anoint Cody Rhodes, you set this up for Cody to face this guy. Lost to KO, I decided to beat him instead. Yes. Oh, Braun too. Looks like I made the right choice including you in this tournament. Oh, look at the Mutual Admiration Society. Can you really not see what's going on here, kid? A qualifying match? Owens? Strowman? You're getting the hell kicked out of you so Regal can put his boy Cody on the throne. He is using you. Yeah, he is using me. To main event SummerSlam, Miz. I'm cool with it. Whatever. I'm done with both. You cannot get away with stealing the WWE Universal Championship from SmackDown, Regal. I believe I just have. All right, भाई। तो यहाँ पे बहुत ही लंबा टॉक चला यार, एंड मिस का एक ही कहना है भाई। मिस बहुत ही गेम में भी इतना फनी कैरेक्टर है यार इनका। मिस का कहना है भाई कि एक तो ये टाइटल स्मैकडाउन का था, और जो फाइनल में दो लोग आए हैं भाई, वो दोनों रॉ के सुपरस्टार्स है। तो पहले तो वो ये बात से बहुत ही गुस्सा है, एंड यहाँ पे हमको ऐसा मतलब बता रहे थे, अभी सच है या झूठ मुझे नहीं पता यार, हो भी सकता है मिस सच बोल रहे हो कि ये एक विलियम रीगल की कंस्पायरेसी है कि कोडी रोड्स के सामने तुमको लाने का, और वीक अपोनेंट हो तुम कोडी के सामने, तो कोडी ईजिली जीत सकता है और उसको फेस बनाना है कंपनी का। तो यहाँ पे ये सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है, एंड हमने ऐसा बोला भाई मिस को कि एटलीस्ट उसने हमको मेन इवेंट में चांस तो दिया समर स्लैम के, और स्मैकडाउन की जाने की ऑफर पे हमने ऐसा बोला भाई कि केओ को भी बीट कर दिया यार, तुम तो ऐसा बोल रहे थे केओ को बीट नहीं कर सके, केओ को बीट कर दिया, डॉम को बीट कर दिया, और ब्रॉन स्ट्रोमन को भी बीट कर दिया।
तो यार अभी डायरेक्टली चलते हैं भाई मैच में. सो ये होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेंस्ट द अमेरिकन नाइटमेयर हमारे फेवरेट सुपरस्टार कोडी रोड्स के सामने. सो डायरेक्ट चलो भाई मैच में चलते हैं. It's a real-life Cinderella story as Cody Rhodes faces the dark horse of the tournament for the undisputed Universal title in the main event of SummerSlam right now. Yes, guys, super excited, bhai. Comment में यार आप comment में बताओ भाई कि कैसा लग रहा है अभी तक का video and ऐसे videos और कोई भी अलग content वाले ideas आपको देने तो वो सब comment में डालो भाई, मैं ज़रूर check करूँगा. चलो भाई main event match against Cody Rhodes. And attack Cody Rhodes to get the momentum. चलो first objective मिल चुका है. हमारी half ही health है भाई, क्योंकि हमने इतनी matches एक show में compete मतलब खेली है. So half health है. And Cody Rhodes की भी कम health है, लेकिन हमारे जितनी नहीं है भाई. हमारा तो हर एक body part damage हो चुका है. तो यहाँ पे Cody Rhodes को हराना भाई इतना easy नहीं होने वाला है. ले भाई reversal पे reversal होने वाला है यार. और hard difficulty पे खेल रहे. लास्ट 2K23 वाला जो मायराइज मोड था भाई, वो मैंने शायद तो इजी या नॉर्मल पे खेला था, क्योंकि यार हर एक मैच इजीली जीत रहे थे तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता भाई. तो ये हार्ड डिफिकल्टी पे खेल रहे हैं तो और थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है भाई जीतना. आ जाओ कोडी, खड़े हो जाओ, तुमको अटैक पे अटैक करना है. अरे कोडी रोड्स, एक तो भाई इसमें 85 के कहाँ कुछ भी ये क्या था भाई. एक तो 85 के ओवरऑल के पहले यहाँ पे 2K24 में रेजिलियंसी की एबिलिटी नहीं मिलती भाई, तो एक वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज होने वाला है हमारे साथ. पिन तो नहीं होगा, अगर रोप ब्रेक नहीं होता तो भी पिन तो इतनी जल्दी नहीं होता. चलो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है. सेकंड ऑब्जेक्टिव है विप कोडी रोड्स इनटू द अपर राइट कॉर्नर. अपर राइट कौन सा है? अच्छा यही था ना. अच्छा यहाँ पे ग्रैब करना है कोडी को और अपर राइट कॉर्नर पे मारना है. चलो ट्राई करते हैं भाई. अरे रुक जाओ कोडी, ऐसे जीतने तो नहीं देने वाले भाई हम आपको. एक रिवर्सल आने दो यार. अरे पुशअप वुशअप बाद में मार लेना भाई, अभी अभी मैच पे फोकस करो कोड़ी यार. अब फिर या तो फिर ऐसा ही होता है इतना भाई. पुशअप वुशअप यार वार्म अप नहीं किया था क्या भाई? चल भाई. अरे रिवर्स क्यों कर रहे हो कोड़ी? रिवर्स नहीं 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 नहीं. यस लेट्स गो. ये भाई अच्छे से टाइम मतलब टाइम से हो गया, वरना तो भाई बहुत डैमेज पड़ने वाला था हमको. चलो अब खड़े हो जाओ और अब कुछ भी शान पट्टी मत करना भाई. मैं जैसे ले जा रहा हूँ वैसे ले जाना दो मुझे. यही तो करना है ना. प्रेस ओ टू ग्रैब कोडी वाइल ही इज इन द अपर राइट कॉर्नर. अच्छा ठीक है समझ गए भाई. मुझे लगा यार. चलो कोई बात नहीं. प्रेस ओ. यस कट सीन. ब्लड निकल चुका है कोडी को. और क्या होगा भाई इस ये कट सीन में तो भाई मतलब. अरे यार रेफरी सही में भाई ये एंडिंग. रेफरी तो नहीं है भाई. रेफरी गिर चुके हैं. रेफरी डैमेज मतलब रेफरी आउट हो चुके हैं यार. ऐसे तो रोमन रेंज की मैचेस में होता है. रोमन रेंज आ चुके हैं भाई. रोमन रेंज ने बोला था कि वो हॉलीवुड जा रहे हैं. भाई मैं सच बोल रहा हूँ. कोई वीडियो नहीं देखा है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ वो भी नहीं है भाई. देख लो ये मैं खेल रहा हूँ साथ में. ये देख लो. हाँ ये खेल रहा हूँ साथ में. ये हमको चैंपियनशिप जितवा रहे हैं रोमन रेंस भाई. रोमन जो टैक्टिक्स यूज करते हैं अपनी मैच में वही हमको हेल्प किए रोमन ने. Yes, it's over.
genius. Look at the smile on Roman's face. I can't believe how we got here. Who even knew? By first Myers के first शो में हम undisputed universal champions बन गए. What? भाई रोमन ने हमारी हेल्प की है यार. एंड कोडी इज इन डिसबिलीव कि ये क्या हो गया भाई. जो रोमन अपनी मैचेस में करते हैं इंटरफेरेंस के, और इस बार रोमन ने खुद इंटरफेरेंस किया हमारी मैच में और हमको हेल्प किया है भाई. लेकिन यार कुछ तो आगे होगा भाई. ऐसे ही हेल्प तो नहीं करेंगे रोमन. और अपने टाइटल को वैकेंट करके हॉलीवुड जाके भाई यहाँ पे तुरंत वापस क्यों आए. सो कुछ तो आगे यार स्टोरी में होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो यार थोड़ी सी खत्म हो गई. ये तो अभी स्टार्ट हुआ है भाई मायराइज. चलो यूनिवर्सल सक्सेस. और यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन पे हमारा फोटो आ चुका है भाई. The longest reigning champion of the modern era promised that Cody Rhodes would not win the title at SummerSlam, and Roman Reigns kept his word. But after the controversial conclusion, GM William Regal has promised to settle the question in the ring. Cody vs. Shlo kicking off WWE Raw tonight. Look at this clowns dancing for the head of the tables. ये क्या लिखा है भाई? Tell whoever wins, I left some polish in my locker. My belt, keep my belt nice and shiny. ठीक है यार, यहाँ पे रोमन थोड़ा अपना सेवेज पहना और दिखा रहे हैं. एंड मैंने बोला ना जैसे भाई कुछ तो मतलब उनका कुछ तो प्लान होगा. ऐसे ही तो हमको क्यों जिताएंगे यार अपना टाइटल. तो कुछ ना कुछ तो भाई होगा. ये नेक्स्ट एपिसोड में भाई देखने वाले हम. एंड आगे क्या हो, आगे मतलब देख लेते एक बार कि क्या है. ठीक है, कोडी रोड से बात करनी है भाई हमको. कोडी रोड से बात करनी है. तो यहाँ तक रखते हैं भाई आज का ये एपिसोड. बहुत ही अमेजिंग एपिसोड था. पहले ही समर स्लैम के शो में हम बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियन, जिसमें रोमन रेंस ने मेरी हेल्प की है भाई. ये मतलब मेरी समझ से ही बाहर है. ठीक है, चलो अगर यहाँ तक देखा है भाई वीडियो तो दिल से थैंक्स. एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. 100 सब्सक्राइबर्स का गोल है, मार्च के एंड तक कंप्लीट करवा देना. एंड फर्स्ट वीडियो है भाई फेस कैम वाला, तो यार कमेंट में बता देना. हेट मत देना भाई, थोड़ा प्लीज़ हेट मत देना भाई. जो भी कमेंट करना हो कर देना, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. सो भाई दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. एंड ख्याल रखना भाई अपने दोस्तों का और परिवार जनों का. चलो भाई मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.